शादी के लिए इतना भरा पड़ा था, सारे अरमानों पर पानी फिर गया और मैं विलन बन गया ताकि दुर्गा खुश रह सके। अमेरिका में ताने सुनता रहा, वो देखो भगोड़ा दूल्हा, ये अपनी शादी से भाग गया था। पैसे के कर्जे से ज्यादा मैंने गालियां जमा कर ली। अब तुम्हारी मर्जी, तुम चाहो तो ये बात गोविंद को जाके बता सकते हो। ठीक है, हैदराबाद चल के भाई को ये सब बातें फेस टू फेस बता दो। चलता ना, जरूर चलता, पर शादी करवानी है, वो करवाते ही आ जाऊंगा। इससे क्यों पूछ रहे हो? इस साले को फोल्ड करके सीधे भाई के पास ले चलते। पटेल प्यार से बात कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग सर पर चढ़ जाओगे। एक बात तो समझे गए, दांतों के भूत लॉलीपॉप से नहीं मानते। लगता है तुम सब लोगों को फाइट का रिपीट टेलीकास्ट दिखाना ही पड़ेगा। तू रहने दे भाई, हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, अब बता क्या करना है। हमारे साथ शादी मां चलो। क्या मतलब? मतलब साफ से, जैसे ही शादी हो जाएगी गोविंद के पास ले चलना। भाई ये उल्लू का बट्टा हमें उल्लू बना रहा है। सच में? इतना खर्चा करके इतने दिनों से मेरे पीछे पड़े हो। अरे कुछ दिन गुजराती मेहमानी के मजे भी ले लो ना, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। घर वालों से क्या कहोगे? ये मेरे मामेरे और मौसेरे भाई थे। मतलब रिश्तेदार? इनके माथे पर तो हुंडा लिखा है। ये सच है, हम उसको मारने, सॉरी हम पट्टू भाई की शादी अटेंड करने के लिए आए हैं। मैं भी उसको मारने, सॉरी मैं पट्टू भाई का रिश्तेदार हूँ और मैं एक बड़ा पुजारी हूँ, मंदिर से आया हूँ। मैं गरीबों की मदद के लिए पार्ट टाइम एनजीओ चलाता हूँ सर। मगर सारी लेडीज कहाँ हैं? मिली नहीं ना, इनको लड़की मिली नहीं, बेचारे सब के सब आज तक गंवा रहे हैं। कुंडली में लिखा है 10 साल तक 100 लोगों की शादियों में अगर ये सेवा करेंगे तो इनको अच्छी लड़की मिल जाएगी। इसलिए मैं इन गुंडों को, मेरा मतलब है कि मेरे रिश्तेदारों को इनवाइट करके यहाँ पर ले आया। बहुत अच्छा किया, अब एक्स्ट्रा नौकरों की जरूरत नहीं है, ये लोग तो फ्री में काम कर लेंगे। मंडप बांधने से लेकर बर्तन धोने तक सारा काम इनसे करवाएंगे। कम बोल वरना ये तुझे भी धो डालेंगे। मतलब सब रिश्तेदार मिलजुल के काम करेंगे तो मजा आएगा। हाँ, सबने अपना इंट्रो दे दिया ना, चलो अब चलकर फ्रेश हो। मेरा इंट्रो तो बाकी रह गया। ये कौन है? मामा? बोले तो मामू? Yes, I am मामा श्री, but not that guns मामा। तुम्हारा पट्टू पटेल मेरे साथ काम करता है। अचानक गायब हो गए, तुम तो यही पर सेटल हो गए, बेचारा वाकई होटल एकदम अनाथ हो जाएगा। पर ये तो सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है ना? तो तुमने ये बता के रखा है, और ठीक है। अगर एप्पल नाम से मोबाइल कंपनी हो सकती है तो फिर होटल के नाम से सॉफ्टवेयर कंपनी क्यों नहीं? सॉफ्टवेयर ही है अवाकाई सॉफ्टवेयर। सीता पट्टू को किसी तरह पटाओ, अगर ये नहीं लौटा तो अवाकाई के पूरे स्टाफ को सब्जियां बेचनी पड़ेंगी। अपने स्टाफ की इतनी चिंता दी तो वहीं रुक जाना चाहिए था ना, इधर क्यों आ गए? वो क्या है कि सीता की बहन ने फेसबुक पर इन दोनों की फोटोज अपलोड कर दी, मुझे पता चला कि यहाँ शादी है। मामा के आशीर्वाद के बिना कैसे हो सकती है? जेट लैग लॉन्ग जर्नी, आई वॉन्ट रिलैक्स, वेयर इज किचन? जेट लैग है ना, जेट लैग में ऐसा होता है भाई, वेयर इज माई बेडरूम बाथरूम? गीता की शादी की वजह से हमें अचानक इंडिया आना पड़ा और फिर इंसानियत के नाते मैं मदद करने के लिए मजबूर हो गया। अच्छा, सच में? अरे बासी चावल को फटे दूध में मिलाकर उसकी खीर बनाकर बेचने वाले, तू क्या किसी की फ्री में मदद करेगा? मुझे मामू मत बना, गैस होने लगती है। कुछ भी मोहतरमा साहब की पर डे फीस कितनी है? अरे फ्री में कर रहा हूँ। तुम बहुत बुरे फंसे हो, और नहीं फंसना है तो 50% मुझे दो। फेयर नहीं है, जब एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तुम ब्लैकमेलिंग के बिजनेस में क्यों नहीं? पैसा बोलता है, बोलो मनी मनी। व्हाट व्हाट लगने वाली है तुम दोनों की जब मैं तुम्हें ये दिखाऊंगा, देखो। क्या कलयुग की एक्सपायरी डेट आ चुकी है? क्या पाप का इंटरनेशनल घड़ा भर चुका है? क्या पता, मेबी एक शातिर लड़की जिसने अपने ही घर वालों के खिलाफ भयानक साजिश रची, जिसने अपने ही घर वालों का भरोसा तोड़ा, एक बार नहीं दो दो बार उन्हें धोखा दिया, क्या फैमिली में वैल्यूज की कोई वैल्यू नहीं रही? कौन है इसका असली जिम्मेदार? आज के एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे एक ऐसा कपल जिसने अपने ही घर वालों को चीट किया। गौर से देखो इन्हें, गौर से देखो। मुझे तो सोचकर ही डर लग रहा है, अगर गलती से हमारा भांडा फूट गया तो प्राइज मनी वापस लेंगे क्या? नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव होगा। हम जो कर रहे हैं वो गलत ही है ना, ऐसे में पॉजिटिव थॉट कैसे आ सकते हैं? बोलो क्या बोलते हो? यह बहुत बड़ी चीटिंग है, एक राज को छुपाने के लिए कब से मेहनत कर रहा हूँ। मैं भी तो इस राज को राज रखने के लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरा हिस्सा। उठो जल्दी से उठो, राजशेखर अंकल अपनी फैमिली के साथ पहुँचने ही वाले हैं, जल्दी से उठो। 6 बजे उठना लक के लिए अच्छा नहीं होता, 9 बजे उठूंगा। तुम्हें कैसे उठाना है अच्छी तरह से जानती हूँ मैं। Get up! माफी मांग जल्दी से। सॉरी। कान पकड़ के चल चल चल, कान पकड़ जल्दी। सॉरी। चलिए तो। सॉरी ना। अबे बोल पटेल सर। पटेल सर। सॉरी। बाहर में जाओ।
बोल पटेल सर सॉरी। बहुत अकड़ू है, छोड़ना मत उसे। आंटी। हाँ हाँ छोड़ना मत। फ्री एंटरटेनमेंट लगे रहो, इस घोड़ी की लगाम तुम ही संभाल सकते हो। आज अचानक होम मिनिस्टर के पास क्यों? अबे कर्नूल हमारा इलाका नहीं है, होम मिनिस्टर की मदद से काम आसान हो जाएगा। सो यू वांट मिस्टर पटेल, लेकिन तुमने तो कहा था वो मिडिल क्लास से है। तुम्हारी बहन के लिए तुम्हारे स्टेटस का लड़का मिल जाएगा। मैंने उससे अपनी बहन की शादी करवाने की कसम खाई है, ये मेरे पिताजी की आखिरी इच्छा थी। सुबह सुबह काम की मीटिंग के लिए काय को बुला रहे हैं आप? उनके बाथरूम का टाइम होता है, अभी बुला लिया तो बोल 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 जल्दी बोल। ए दासू, हमसे बराबरी? ए दासू का मुकाबला सिर्फ दासू कर सकता है, तू कौन है बे? पापा अभी ठोकता साले को। शांति से काम लो दासू, दुश्मनी भारी पड़ेगी। धमकी किसे दे रहा है बे तू? अबे दुश्मन के मोहल्ले में जाकर सबको उड़ा देता हूँ, तू कौन है बे बता मेरे को? तेरी समाधि इधर ही बनाऊं क्या? अबे इधर का ड्रोन अब ये मेरे हाथ से नहीं बचेगा। बोला ना धीरज रख। दासू अब हमें एरिया बांट लेना चाहिए। तू कौन होता है एरिया बांटने वाला? सारे बाहर की कमाई मेरी और पान पट्टी तेरी, सिनेमा हॉल मेरा, साइकिल का पार्किंग तेरा, सारी खजूर मेरी और कुटली तेरी बे। क्या बोल रहा है? अरे छी छी छी। अरे लोगों सुनो, गोविंद ने अपने बाप को मार दिया, आज बाप मरा कल बेटा मर जाएगा, अब से मेरा राज। पापा, पापा, खांची, मैंने कहा था ना दिमाग को शांत रख के काम करो। सॉरी पापा, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुमने जिंदगी में कब कौन सा काम सही किया है? पापा, पापा, दुनिया में जिस किसी ने गलत तरीके से पैसा बनाया है उसका अंत किसी बुलेट से ही हुआ है। बेटा अपनी बहन की शादी किसी नेक इंसान से करवाना। बोलिए पापा, आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। चावा और एक टॉट टॉटनेट सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढना। पापा पापा। तुम्हारे पापा की वजह से ही मुझे ये इज्जत ये पावर मिली है। भूल जाओ उस लड़के को, भूल जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं, ऐसे कैसे भूल जाएं? आज से उसे ढूंढना मेरा काम है। ए डीएम को अभी फोन लगाओ, फौरन लगाओ। वो लड़का हैदराबाद में नहीं है, कुरनूल में है, इसीलिए तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ी है। हो जाएगा, मैंने कभी मना किया है क्या? पर मेरा काम करूंगा, पहले इनसे बात। नमस्ते बुच्ची जी, मेरा नाम गोविंद गौड़ है। हाँ मैं सब जानता हूँ, बस उस छोकरे की तस्वीर भेज दो, मैं उसे उड़ा दूंगा। उसे मारना नहीं है, जिंदा चाहिए। जिंदा हाजिर करता हूँ, उसमें क्या है? थैंक यू। फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है, मैं आपका काम करता हूँ, आप मेरा काम करोगे कि नहीं? क्यों नहीं भाई, जरूर करते। वैसे इस वक्त मेरे सारे आदमी कुरनूल में ही है, आप टेंशन मत लो, मेरे आदमी आपको पटेल की एक फोटो ला के दे देंगे। फोटो आप ऊपर से? उसने यही कहा, सिचुएशन इज क्रिटिकल। एग्जैक्टली भाई, ये जो बुची है इसने तुम्हारे बॉस को देखा है? मुझे नहीं लगता है, सिर्फ फोन पे ही तो बात की है। तो बुची को अपने बॉस का फोटो भेज दो। What? आ भाई, बुची तुम्हारे बॉस को कहाँ पहचानता है? वो तो तुम्हें पहचानते ना, तुमने उनकी धुलाई जो कर दी। मैं उसके लिए सीता का हस्बैंड हूँ, पर उसे नहीं मालूम वो जिसे ढूंढ रहा है वो पटेल मैं ही हूँ। तुमने तो कमाल कर दिया, काश तुम्हारी जितनी अक्ल मुझे होती। यही वो कुत्ता है जिसे हमें पकड़ना है, मिनिस्टर साहब का ऑर्डर है, हमारे गांव में घूम रहा है, बुच्ची से बच के कहां जाएगा? अरे मामा ड्राइडे बेबी। बोतल का बोझ उठाना मजबूरी है, बोझ हल्का करने के लिए इसे हलक से नीचे उतार लेता हूँ। अब बॉलिंग करने की क्या जरूरत है, यहाँ सबको क्लीन बोल्ड तो कर चुके हो, बहुत हो चुका क्रिकेट, मेरा आज का पेमेंट दो। आई एम एक्साइटेड। अब अच्छे मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं। कयू पेमेंट? मैं नहीं पता कौन सा पेमेंट। नदी अभी पता चल जाएगा, लैपटॉप देखकर सब याद आएगा। कयो लैपटॉप, कयो पेमेंट, मगर जगह पे क्या घूमने गया है? मानना पड़ेगा, भूलने की एक्टिंग अच्छी है। थैंक यू थैंक यू। वक्त की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन मेरी लाठी में डिजिटल डॉल्बी साउंड सुनाई देता है। राजशेखर सर, कह दो दिल की बात अगर। राजशेखर सर, राजशेखर सर।